उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होगा। इसके लिए कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने सहयोग करने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, सभी दलों के नेताओं ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करने की बात कही है। अनुपूरक बजट आना है, जनहित के विषयों पर चर्चा करने के लिए भी सदन को चलाया जाना है। जनतंत्र टीवी संवाददाता ने उनसे की खास बातचीत, देखिए। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और इस समय हमारे साथ मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। सर, क्या कुछ रहा इस बैठक के अंदर और विधानसभा सत्र की तैयारियां पहले से ही पूरी हैं। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों ने आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी जी ने हिस्सा लिया। सरकार के मंत्रियों में श्री सुरेश खन्ना जी, श्री मौर्या जी, श्री गुलाबो देवी जी और अन्य श्री रमापति शास्त्री जी, सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया और सदन की कार्यवाही 3 दिन के एजेंडा पर विचार हुआ। इस सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लिए जाएंगे, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं भी होंगी, शून्यकाल भी होगा, प्रश्नोत्तर काल भी होगा और साथ में 4 विधेयक भी हैं और ये सप्लीमेंट्री जो बजट है ये भी है। तो कुल मिलाकर एक सुनिश्चित कार्यक्रम आज तय हो गया। सर, पर वही बात की कि हर बार सदन में जो है बाधा रहती है, हर बार जो है सदन सुचारू रूप से चल नहीं पाता। अंतिम सत्र है और किस तरीके से लग रहा है कि इस बार सुचारू रूप से चल पाएगा आश्वासन के बाद भी? मुझे लगता है कि सुचारू रूप से चलेगा और आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी सबने एक दूसरे की प्रशंसा की, आदर भाव व्यक्त किया, भावुक हुए सब। तो ये जान पड़ता है कि अंतिम सत्र है तो सब लोग मिलजुल कर सुनिश्चित विषयों पर चर्चा करेंगे और कोई बड़ी बात होगी प्रदेश की समस्या की दृष्टि से, जन समस्या की दृष्टि से किसी के मन में, तो उसको भी अपनी बात रखने का अवसर हम देंगे। तो ये थे हृदय नारायण दीक्षित, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये अंतिम सत्र है विधानसभा का और इसके अंदर सभी लोगों ने बोला है कि सब जो है संगठन और पूरे जो दल हैं सभी समर्थन करेंगे और कोई भी विषय होगा जनहित से उस पर चर्चा भी होगी। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनिज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.